अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी हम जानमाज पे खड़े होते हैं और नमाज पढ़ने के लिए नियत करते हैं तो हमें फौरन ही दूसरा काम याद आ जाता है। हमें ये होता है कि हम जल्दी से यहाँ से फारिग हो जाएं और हम दूसरे काम कर लें। अगर फजर की नमाज में पढ़नी होती है तो फजर की नमाज में भी यही होता है कि हम जल्दी जल्दी नमाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम फिर कामों पर जो भी जाना होता है वो काम निपटाते हैं। अगर ईशा की नमाज है तो हम ईशा की नमाज पढ़ते हुए ये सोचते हैं बस अब सोना है या ये काम करना है या वो काम करना है। तो इस तरह की नमाजें क्या हमारी कबूल हो जाती हैं? नहीं, जब तक हमारी नमाज में दिलचस्पी नहीं होगी, जब तक हमने अपनी नमाज को 20-25 मिनट नहीं दिए होंगे, तब तक हमारी नमाजें कैसे कबूल हो सकती हैं? अल्लाह पाक को ऐसी नमाजों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक को हमारी नीयत की ज़रूरत है कि हम क्या अल्लाह से कितने ज़्यादा सच्चे हैं, अल्लाह के साथ कितना ज़्यादा हमारा अच्छा कांटेक्ट बन रहा है, कितना ज़्यादा। अब कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए, कुछ लोग अच्छे बनते हैं वो भी लोगों को दिखाने के लिए, कुछ लोग बस नमाज़ पढ़ते हैं तो जन्नत मिल जाए इसलिए अल्लाह के खौफ से। अल्लाह के खौफ से भी हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन हम सच में हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं नमाज़। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये बात कि अल्लाह पाक हमसे चाहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ें, तो हमें जो भी काम करने चाहिए वो अल्लाह की रज़ा के लिए करने चाहिए। कुछ भी नेक अमाल करें तो हम इसलिए करें कि अल्लाह को पसंद है। अब इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने नमाज तहज्जुद का भी हुक्म दिया है। जबकि अजान नहीं होती, अल्लाह पाक ने हम पे फ़र्ज़ नहीं की, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कौन आधी रात को उठ के बिस्तरों से जुदा होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है आधी रात को उठ के 3-4 बजे नमाज़ पढ़ना, लेकिन कराची में तो 3-4 बजे आधी रात नहीं होती है, यहाँ तो सुबह हो रही होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अगर जाग ही रहें तो नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ तहज्जुद से हमें इतनी ज़्यादा रहमतें मिलती हैं, नेमतें मिलती हैं अल्लाह की। होता यह है कि हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह से बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट हो जाता है हमारा। और बहुत सारे लोगों में कुछ लोग होते हैं जो तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह काफ़ी ज़्यादा अल्लाह पाक हमें देख सकते हैं। वैसे तो अल्लाह पाक हमें हमेशा ही देखते हैं, लेकिन जब हम आधी रात को उठ के कुछ भी इबादत करेंगे तो अल्लाह पाक जाहिर सी बात है हमें देखेंगे ना। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को तहज्जुद की नमाज का आदी बनाएं। तहज्जुद की नमाज हम जिस दिन छोड़ दें समझ लें उस दिन हमसे कोई गुनाह हो रहा है। तो तहज्जुद की नमाज से अल्लाह पाक चेहरे पर नूर देते हैं, दिल में नूर देते हैं, हमारी ज़ुबान में, हमारी बातों में, हम जहाँ जाते हैं हमारी इज्जत होती है। इसी तरह हम जब तहज्जुद की नमाज सच्चे दिल से 20-25 मिनट पढ़ लेंगे, तस्बीह करेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, तो बाकी नमाजें भी हमारी अच्छी होती चली जाएंगी। और हमें जब भी नमाज पढ़नी है तो हमें इसलिए पढ़नी है कि अल्लाह हमसे जो चाहते हैं हम वो काम कर रहे हैं। अल्लाह हमसे चाहते हैं कि सच्चे दिल से नमाज पढ़ो, सच्चे दिल से मुझे याद करो, नमाज को टाइम दो, तस्बीह पढ़ो, मेरा जिक्र करो, बिल्कुल फुर्सत से सुकून से मेरा जिक्र करो, तुम्हें किसी चीज़ की जल्दी ना हो, नमाज के बाद तुम्हें ये काम करना है। तुम एक अल्लाह के घर में ना, हम एक मेहमान हैं। अब देखें अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हमारा दिल करता है कि वो जाए, नहीं हम उसे कहते हैं नहीं रुक जाओ या फिर अभी बैठ जाओ अभी मत जाना, इस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें भी अल्लाह पाक हमें मेहमान की तरह कहते हैं कि अल्लाह हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब जब भी हम अल्लाह के मतलब नमाज पढ़ने खड़े होंगे तो अल्लाह पाक हमें एक मेहमान समझते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के चले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक को हम पसंद ही नहीं आए। इसीलिए बैठता वही इंसान है ज़्यादा देर तक नमाज पढ़ और तस्बीह करता है, कुरान मजीद पढ़ता है, ज़्यादा टाइम वही देता है जो अल्लाह को पसंद होता है। वरना हर मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं जो नमाज में जल्दी कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाते हैं। कुछ लोग आराम से बैठे हुए होते हैं, तस्बीह कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं वो फारिग होते हैं, नहीं, उनका दिल ही नहीं कर रहा होता उठने का, वो अल्लाह को टाइम दे रहे होते हैं। तो इसीलिए हम अल्लाह के घर में मेहमान होते हैं। जब भी हम इतनी देर तक बैठते हैं हम अल्लाह को पसंद आ रहे होते हैं। तो इसीलिए हमें ये दिमाग में बिठा लेना है कि हम जब भी नमाज पढ़ें तो हम अच्छे और सच्चे दिल से पढ़ें और थोड़ा टाइम दें और अपने दिमाग में बिठा लें। फजर की नमाज है तो भी हमें 20 मिनट देने हैं, जोहर की नमाज में भी हम 20-25 मिनट देने हैं, तहज्जुद की नमाज में भी हमें 20-25 मिनट या 15 मिनट, इस तरह से हमें टाइम बता देना है अपने दिमाग को। वरना हमारा दिमाग जल्दी मचाता है हर चीज़ को करने में। हमारे दिमाग को पता होगी ये सारी चीज़ें तो हम वो काम बहुत आसानी से कर लेंगे। इसीलिए मुझे और आपको अल्लाह पाक हम लोगों को तौफीक दे, हिदायत दे कि हम नमाज तहज्जुद भी पढ़ें पाँचों नमाजों के साथ साथ भी, और अल्लाह पाक हमारी सारी नमाजों को और सारे नेक कामों को कबूल करें। आमीन सुम आमीन।